चनन मर है यहाँ के वर्तमान संसद के जानो को हमने जान रही हैं नहीं जानो को तो चिराग पासवान देखिए लूटने का बात है तो कोई पार्टी पीछे नहीं है तेजस्वी यादव वाला पार्टी भी पीछे नहीं है बीजेपी का तो जो भी है सब पार्टी वो सब में आगे रहा लेकिन हम लोग को कब कहियो नहीं 100 कॉल नहीं दिया कभी ना कॉल नहीं मिला कभी नहीं तो क्या नाम हुआ चाचा मसूदन पंडित ये कौन गांव है चननबर चननबर है यहाँ के वर्तमान संसद के जानो को हमने जान रही नहीं जानो को तो चिराग पासवान पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय नेता है वो है यहाँ से संसद है आप नहीं जानते उनको जानो ही भुला जाइए भुला जाओ तो इन्हें विकास उकास हुआ है कोई विकास नहीं हुआ है हाँ कोई विकास नहीं हुआ तो चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे जम्मू क्षेत्र में एकदम पूरा विकास का गंगा बहा लाइन आ गई रोड तो बन लिए है रोड क्या है रोड तो मतलब आप इनसे खुश नहीं है खुश से जब सबको खुश है हम खुश है तो क्या हम आने वाला चुनाव में इनको रखिएगा कि बदलिएगा अब 10 को मन होगा जने तेरे बदलेगा कि रखेगा विकास हम लोग सबको आता है कॉल नहीं आता लेकिन हम लोग को कब कहियो नहीं 100 कॉल नहीं दिया कभी नहीं कॉल नहीं मिला कभी नहीं मिला है 11 हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं क्या नाम है अजीत कुमार अजीत कुमार अभी वर्तमान संसद कौन है चिराग पासवान इधर आते हैं इधर तो आते नहीं है लेकिन जम्मू तक आते हैं जम्मू तक आते जम्मू उनका क्षेत्र है ये भी उनका क्षेत्र गांव गांव तरफ कभी नहीं है कभी नहीं आते हैं विकास वो इधर पूरा किए हैं कि नहीं किए विकास तो हुआ है जैसे रोड वगैरह गैस उज्ज्वला योजना ये सबसे गरीब लोग को बहुत फायदा हुआ है इसीलिए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे बीजेपी को यस तो आप जैसे केंद्र वाला स्कीम है बहुत सारा स्कीम है गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ है मीडियम लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है लेकिन हम तो मीडियम वर्ग से आते हैं हमें कुछ फायदा और लॉस समझ में नहीं आया लेकिन तब पर भी हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी को क्योंकि ये नीचे स्तर से काम किए जी और उज्ज्वला योजना से कह रहा है कि मोदी जी अगर गैसवा फ्री दे दलखिन ओकर बाद लेकिन 1000 ले हखिन वो ठीक है लेकिन पहले से जो था स्कीम के तहत वो फ्री दिलवाया गया गैस वो तो गरीब लोगों के पहुँच से बाहर था बहुत पहले हम लोगों को लाइन लगना पड़ता था 3-3, 4-4 घंटा और यहाँ से कौवा कुल जाना पड़ता था दिन भर लाइन लग के वापस आ जाते थे लेकिन गैस नहीं मिल पाता था अभी देखिए घर पहुंच जाता है आराम से पहले एडवांस मतलब ख़त्म नहीं हो पाता उसके पहले गैस पहुंच जाता है तो वो सब बहुत फायदा नज़र आ रहा है तो पैसा तो बढ़ा दे बल्कि पैसा बढ़ा आखिर सरकार पैसा लाएगी कहाँ से सरकार हम ही लोग से लेके देगी ना मान लीजिए मीडियम लोग है कुछ हाई लोगों का है उस सबका रेट गैस वगैरह वाला ज़्यादा है तो वही सब गरीब लोगों में बांटा जा रहा है फ्री मिला कहाँ से मिलेगा सरकार अपना पैकेट से थोड़ी ना देगा तो आवेला एक दिन चुनाव में देखे प्रचार में कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो बिहार को नहीं पूरा भारत को लूट लिए तो इनपे आपका क्या कहना देखिए लूटने का बात है तो कोई पार्टी पीछे नहीं है तेजस्वी यादव वाला पार्टी भी पीछे नहीं है बीजेपी का तो जो भी है सब पार्टी वो सब में आगे रहता है तो अच्छा अभी जो संसदीय क्षेत्र में जो आपका चुनाव आने वाला है तो इनमें आप किन्हें चिराग पासवान को रखना चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं जो भी बीजेपी से आएगा हम नरेंद्र मोदी देख के वोट देंगे बाकी कोई भी मतलब क्षेत्रीय दल से कोई भी नेता हो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे मतलब आपका कहना है कि जो भी बीजेपी से टिकट लेके आएंगे हम उन्हें से वोट देंगे हम मोदी को देख के